उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को हाल में सोशल मीडिया पर बेवजह ट्रोल किया गया। R9 टीवी ने जब पड़ताल की तो पता चला कि रावत अपनी जगह बिल्कुल ठीक थे। ये मामला दरअसल ट्रोलर्स की बेवकूफी से जुड़ा हुआ है। सोशल मीडिया के दौर में कब कौन ट्रॉल हो जाए कहना जरा मुश्किल है। कई बार तो बेवजह भी ट्रॉल किए जाने का चलन आम सा हो गया है। अभी हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के उत्तराखंड दौरे पर राज्य के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। R9 टीवी ने खबर की पड़ताल की तो पाया कि जिस वजह को बताकर सीएम रावत को ट्रॉल किया जा रहा है वो दरअसल बेबुनियाद है। दरअसल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 4 अक्टूबर को IIT के दीक्षांत समारोह में शामिल होने के लिए रुड़की गए थे। इसी दौरान उनकी पत्नी सविता कोविंद भी साथ में थी। राष्ट्रपति के स्वागत के लिए सूबे के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत खुद मौजूद रहे। स्वागत भाषण में सीएम रावत ने राष्ट्रपति की पत्नी को देश की प्रथम महिला कहकर पुकारा। बस इतना ही कहना था कि सोशल मीडिया पर ट्रॉलर्स एक्टिव हो गए। लेकिन पहले ये सुन लीजिए कि सीएम रावत ने कहा क्या था। IIT रुड़की के दीक्षांत समारोह में आज हमारे मध्य उपस्थित माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी, हमारी राज्यपाल श्रीमती देवी रानी मौर्य जी, मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, निदेशक प्रोफेसर अजीत चतुर्वेदी जी, हमारे देश की प्रथम महिला श्रीमती रामनाथ कोविंद जी और इस पंडाल में उपस्थित तमाम हमारे IIT के प्रोफेसर्स, सभी छात्र छात्राएं, मैं आप सबकी ओर से माननीय राष्ट्रपति जी का देवभूमि उत्तराखंड आगमन पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। देश की प्रथम महिला श्रीमती रामनाथ कोविंद जी और इस पंडाल में उपस्थित तमाम हमारे IIT के प्रोफेसर्स, सभी छात्र छात्राएं, मैं आप सबकी ओर से माननीय राष्ट्रपति जी का देवभूमि उत्तराखंड आगमन पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, जब IIT रुड़की की बात होती है तो एक बड़ी प्रसन्नता मन में छा जाती है। एक प्रतिष्ठित संस्थान जो हमारे राज्य की एक पहचान भी है, वो आज उसका आज यहाँ पर दीक्षांत समारोह हो रहा है। ये संस्थान एक, आज हमें कह सकते हैं कि देश की इंजीनियरिंग हो चाहे दुनिया में इंजीनियर प्रदान करने में इस संस्थान का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है और एक इसकी एक अपना इतिहास है। जब हम देश के प्रतिष्ठित संस्थानों की बात करते हैं तो रुड़की की अपनी एक अलग प्रतिष्ठा है। जब ये कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग था और जब आज IIT के रूप में आज हमारे सम्मुख है। दरअसल प्रोटोकॉल के हिसाब से राष्ट्रपति देश के प्रथम नागरिक माने जाते हैं, जबकि उनकी पत्नी देश की फर्स्ट लेडी या प्रथम महिला का दर्जा रखती हैं। इस सामान्य से शिष्टाचार को निभाते हुए सीएम रावत का संबोधन बिल्कुल वाजिब और उचित था। लेकिन इसके बाद भी सोशल मीडिया पर सीएम को ट्रॉल किया जाने लगा। लेकिन हमने खबर की पड़ताल की तो पाया कि दरअसल ये पूरा मामला कुछ और नहीं बल्कि ट्रॉलर्स की मूर्खता का ही नजर आया। तो शायद ये बेवकूफी नहीं करते, लेकिन अफसोस के सोशल मीडिया की भेड़ चाल में कई बार मूर्खताएं भी विद्वता में बदल जाती हैं। R9 टीवी के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट।